नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के दर्जनों, सैकड़ों, लाखों, हजारों किस्से आपने सुने होंगे, जिसमें कोई शख्स, कोई गैंग, कोई नेटवर्क, कोई ग्रुप लोगों को लगातार बेवकूफ बनाता है और एक दिन राज खुल जाता है। सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान होते हैं। जितनी बड़ी रकम, जितने बड़े लोग, जितने ज्यादा संख्या में लोग बेवकूफ बनते हैं, उतनी हैरानी आपको ज्यादा होती है। लेकिन क्या हो कि आपको पता लगे कि एक शख्स बाकायदा 40 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहे। 40 साल तक सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लोगों को बेवकूफ बनाता रहे और लोग बेवकूफ बनते रहे। इसमें कोई भोले भाले, सीधे साधे, अनपढ़ लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, बड़े अफसर, सरकारी लोग, तमाम ऐसे लोग शामिल हों जिनके बेवकूफ़ बनने की कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन वो बेवकूफ़ बन रहे हों। और जब ये राज खुले तो पता चले कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आमतौर पर ऐसे फ्रॉड शेयर मार्केट या उन जगहों पर होते हैं जहां वित्तीय संस्थानों वाला काम होता है, यानी पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आपके जहन में एक नाम आता होगा, वो नाम है हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता भारत में एक ऐसा नाम था जिसने शेयर मार्केट में ऐसा घोटाला किया जो कि सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस घोटाले की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिस फ्रॉड, जिस आदमी की बात हम आज करने जा रहे हैं, हर्षद मेहता भी उसके सामने बौना है, यानी उसका घोटाला भी कुछ नहीं, तो आप बेशक हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। और ये घोटाला और फ्रॉड और बेवकूफ बनाने की तकनीक इतनी यूनिक और इतनी बड़ी है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा देशों के लोग फंसते चले गए, बेवकूफ़ बनते चले गए। लेकिन एक दिन राज खुला तो लोग हैरान रह गए। शेयर बाजार में हर्षद मेहता ने जो घोटाला किया था उसकी वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं वो अब तक का न सिर्फ सबसे बड़ा घोटाला है बल्कि अगर आज की तारीख में उसकी गणना की जाए तो वो 10,00,000 करोड़ रुपये का होता। आपने बर्नी मेडॉफ का नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा। इस नाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसने एक ऐसे घोटाले की स्कीम चलाई जिसके बाद दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, लाखों और फिर करोड़ों लोग फंसते चले गए। इस घोटाले की कीमत करीब 5.3 लाख करोड़ रुपए तब थी जब ये घोटाला खुला और आज की तारीख में इसकी वैल्यू होती है करीब 10,00,000 करोड़ रुपए। दुनिया में इस ठग को, बर्नी को, सबसे बड़े ठग के नाम से जाना जाता है। इस महाठग के चक्कर में बहुत सारे लोग इसलिए पड़ गए क्योंकि ये सरकार की बड़ी एजेंसियों पर बड़े पदों पर रहा था, जिसके चलते लोगों को इस पर शक ही नहीं हुआ। लोगों को लगा कि सरकारी पदों पर रह चुका है, महत्वपूर्ण जगहों पर रह चुका है, बड़ा अधिकारी रह चुका है, तो उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है और वो जो कर रहा होगा बेशक भले ही वो विश्वास करने लायक ना हो लेकिन उसमें बेईमानी नहीं होगी। 2008 की मंदी ने बर्नी मेडॉफ के इस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन अगर ये मंदी नहीं आती तो इस स्कैम का आंकड़ा और बड़ा होता और शायद अभी तक ये फ्रॉड चल रहा होता। जब पता चला तो अधिकारी हैरान रह गए क्योंकि इसमें 6.5 अरब डॉलर का स्कैम था। इस स्कैम की चपेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म अभिनेता, सेना के अधिकारी, फिल्म निर्माता और निर्देशक तक आए। इस स्कीम में, इस फ्रॉड में लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। खास बात यह कि भले ही इस स्कीम में, इस फ्रॉड में 130 देशों के लोग फंसे हों, घाटा हुआ हो, उन्होंने धोखा खाया हो, लेकिन इनकी संख्या उतनी बड़ी नहीं थी। ये लोग 37,000 लोग थे। इन 37,000 लोगों से ठगे गए 6.5 लाख करोड़ रुपए। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या था और कैसे बर्नी मेडॉफ ने 40 साल से भी ज्यादा तक लोगों को बेवकूफ बनाया। बर्नी मेडॉफ यानी द फ्रॉड की कहानी किसी ड्रामे से कम नहीं है। 1938 में न्यूयॉर्क में बर्नी का जन्म हुआ। जिस परिवार में बर्नी का जन्म हुआ वो बेहद गरीब परिवार था। पिता को बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। छोटी छोटी बातों के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती थी। रोजी रोटी कमाने के लिए ब्लड बैंक में काम करते थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको कई बार खाना दूसरों से लेकर के खाना पड़ता था। एक बार जब हालात और ज़्यादा खराब हो गए तो जिस घर में वो रहते थे वो घर भी खतरे में आ गया। उसी वक्त, कहते हैं, बर्नी ने ठान लिया कि किसी भी हालत में वो पैसे कमा के रहेगा, वो फेल नहीं होगा, चाहे उसके लिए
कुछ भी करना पड़े। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे बर्नी दुनियादारी सीखने लगा। वो मुश्किल वक्त किसी तरह से काटा, लोगों ने कुछ मदद की, कहीं से उसने पैसे मांगे, यहाँ तक कि कहते हैं भीख भी मांगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। बस गलती उसने की कि रास्ता उसने गलत अख्तियार कर लिया। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान बर्नी की मुलाकात एक रूथ नाम की लड़की से हुई, जिसके पिता एक बड़े अकाउंटिंग बिजनेस में थे और रूथ की शादी वो करना चाहते थे। कम उम्र में बर्नी ने रूथ से शादी कर ली और अपने ससुर की कंपनी में ही काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसको बहुत छोटा काम मिला, जो डेस्क का काम था। डेस्क पर काम करते हुए बर्नी ने अपनी सेविंग्स बढ़ानी शुरू कर दी। एक बार की जब उसके पास कुल $5,000 हो गए, तो 1960 में बर्नी ने बर्नार्ड मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC नाम से कंपनी खोल ली। उसकी पत्नी रूथ ने भी इसमें हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी बिजनेस की जानकार थी और कई सालों से अपने पिता के बिजनेस को देख रही थी। लिहाजा उसने सोचा कि वो एक बड़ी हेल्प हो सकती है और उसने बर्नी के साथ काम करना शुरू कर दिया और इस कंपनी ने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उनकी कंपनी वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग करने लगी और वहाँ से उनको इनकम होने लगी। बर्नी के ससुर जो थे, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी थे, बहुत सारा नेटवर्क था। उन्होंने अपनी बेटी के चलते बर्नी को इस सारे अपने नेटवर्क के लोग, अपने सारे क्लाइंट्स और स्टॉक ब्रोकर का जो ऑफिस था वो सब दे दिया। धीरे धीरे बर्नी एक बड़ा आदमी बनने लगा। उसको शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, अपने क्लाइंट से बहुत फ़ायदा हो रहा था और वो इसके चलते अमीर होने लगा। लेकिन खास बात ये थी कि बर्नी और लोगों की तुलना में अपने क्लाइंट्स को तगड़ा रिटर्न देता था। लोग हैरान होते थे कि आखिरकार इतना तगड़ा रिटर्न कैसे दे सकता है। लेकिन बर्नी का कहना ये था कि क्लाइंट्स ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था, इसलिए मैक्सिमम हिस्सा मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ और बिल्कुल थोड़ी सी रकम अपने रखता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूँ। यहीं से बर्नी के दिमाग में एक स्कीम आई और वो स्कीम थी कि वो अपनी पोंजी स्कीम चलाएगा और इसके लिए बाकायदा उसने एक अपनी कंपनी, नई कंपनी खोल ली। सब कुछ सही चल रहा था बर्नी की, लेकिन ख्वाहिशें आसमान से भी ऊपर निकल रही थी। एक दिन बर्नी ने सोचा कि अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का बिजनेस शुरू किया जाए, जिसके तहत वो तमाम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देगा, लोगों के पैसे मैनेज करेगा। और इसके लिए उसने गलती ये की, इसके लिए चालाकी ये की, यूं कहा जाए कि उसने चुपके से इसकी कंपनी की शुरुआत की, लेकिन उसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कराया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज मतलब जहां पर कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की कंपनी खुलती है तो उसको इत्तला देनी होती है, फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि उस पर नज़र रखी जा सके, ताकि वो लीगल तरीके से लोगों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सके। लेकिन बर्नी ने ऐसा नहीं किया, ये इलीगल था, गैरकानूनी था। लेकिन शायद बर्नी ने पहले दिन से ही ये सोच लिया था, इसलिए उसने कंपनी को कुछ भी रजिस्टर नहीं कराया, जिस भी जगह कराना होता है। और उसके दिमाग में ये पहले से तय था, ये भी समझ में आता है, क्योंकि उसने उसी दिन से, जिस दिन से कंपनी शुरू की, इन्वेस्टमेंट का काम कराना शुरू किया, उसी दिन से तय करना शुरू कर दिया कि स्कीम्स ऐसी बनाएगा जिस स्कीम से लोगों को लगे कि इतना रिटर्न देना तो नामुमकिन है, लेकिन वो देगा। जब बर्नी के ससुर 1970 में रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम, यानी बर्नी ने कंपनी का नाम बदल करके AB कर दिया। AB का मतलब था मिखाइल बैंक्स एंड फ्रैंक एविलियानो। जो कंपनी में अकाउंटेंट्स थे वो क्लाइंट से पैसे लेते थे और अच्छे रिटर्न का वायदा करके पैसे बर्नी को देते थे। इधर बर्नी उन पैसों के जरिए शेयर मार्केट में कोई पेनी स्टॉक खरीदता था, मतलब अलग अलग तरीके के पेनी स्टॉक। हम आपको बता दें, पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनके दाम, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो शायद भविष्य में आगे बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और इसी के लिए तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, तमाम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए इंतज़ार करते हैं। साल 1987 तक बर्नी मैडोफ एक बड़ा आदमी बन चुका था, बेहद अमीर। उसने 885 थर्ड एवेन्यू की लिपस्टिक बिल्डिंग में 19वें फ्लोर पर अपना ऑफिस बना लिया। ये बिल्डिंग लिपस्टिक जैसे दिखती थी और ये बेहद मशहूर बिल्डिंग थी। इसमें सिर्फ अरबपतियों के दफ्तर थे। इतना महंगा था कि वहाँ दफ्तर लेने के लिए कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन बर्नी ने अपने स्कीम के जाल को फैलाने के लिए, अपने फ्रॉड के जाल को फैलाने के लिए इस बिल्डिंग में अपना दफ्तर बनाया। बर्नी ने अपने साथ अपने छोटे भाई पीटर, पत्नी रुथ और दोनों बेटे एंडी और मार्क को भी इसमें ले लिया, क्योंकि सारा वो चाहता था कि परिवार के बीच में ही रहे, जिससे कभी कोई दिक्कत आती है तो किसी को कानो कान कोई खबर ना हो।
लेकिन 19 अक्टूबर 1987 को सुबह 9:30 बजे के आसपास जब मार्केट खुला तो वॉल स्ट्रीट पर तबाही हो गई। मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, तमाम नुकसान हो गया था। ये पहली बार था जब 1929 के बाद इतना बड़ा क्रैश हुआ था, यानी 58 सालों के बाद शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया था। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, सारे निवेशक अपने जितने भी शेयर्स थे उनको बेच करके मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको नुकसान कम हो, लेकिन बर्नी मैडॉफ इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्टॉक खरीद रहा था। बर्नी ने अपने क्लाइंट्स को बोला कि 15-20% तक वो रिटर्न देगा। वो 3 बार नैसडेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी चुना गया था, लिहाजा लोग उस पर यकीन कर रहे थे कि आखिरकार इतना काबिल, इतने ऊंचे पद पर रहने वाला शख्स किसी भी तरीके की गलती या फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा वायदा था जिस पर लोगों को यकीन मुश्किल से हो रहा था। बेशक वो जानते थे कि बर्नी बहुत अहम पदों पर रह चुका है, भरोसे के लायक है और पहले भी उसने रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसका वायदा ऐसा था कि महीने भर के अंदर ही आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। उसने अखबारों में, टेलीविज़न में ये भी इश्तिहार दे दिया था, विज्ञापन दे दिया था कि उसको जो भी ज्वाइन करेगा, जो भी उसके ज़रिए निवेश करेगा, उसको 100% रिटर्न मिलेगा, यानी कि 100 रुपये के 200 रुपये मिलेंगे, वो भी महीने 2 महीने के भीतर। ये बात है साल 1992 की, जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड को एक ब्रोशर मिला जिसमें 100% गारंटी के साथ रिटर्न देने का बर्नी की तरफ से वादा किया गया था, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी और किसी गड़बड़ी के। इस तरह का वादा किया जाना नामुमकिन था। सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने जब AB कंपनी के तमाम दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो पता चला रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज ही नहीं है, ये कंपनी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब ये कंपनी गैरकानूनी थी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज के तमाम अधिकारी कंपनी के दफ्तर में पहुंचे, वहां कागज मांगे तो कोई कागज नहीं दिखा पाया, कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिखा पाया जिससे पता चले कि ये कंपनी सिक्योरिटीज एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अब यहीं से शक गहराना शुरू हुआ और जब जांच शुरू हुई तो आया दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि सबके सामने था। ट्रांजेक्शन की डिटेल्स मांगी गई, तमाम अकाउंट्स चेक किए गए, उस वक्त कंप्यूटर चेक किए गए, फाइलें चेक की गई, लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। दरअसल बर्नी जो इन्वेस्टमेंट करा रहा था उसके लिए न तो उसके पास कोई कानूनी रूप से मान्यता थी, न रजिस्ट्रेशन था, न उसकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, न तो उसके पास कोई लाइसेंस था और न ही कोई ऐसी चीज़ जिसके जरिए सरकारी रूप से कहा जा सकता कि जो काम कर रहा है वो कानूनी रूप से सही है। यानी बर्नी जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भरोसा हो सके, और इसके लिए उसने केवल अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में अपनी स्कीम का जाल फैला रखा था। अरबपति होने की वजह से उसके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, अलग अलग देशों में उसने अपने ऑफिस खोल रखे थे, वहाँ लोगों को इस तरह की स्कीम दे करके, बाकायदा समझा करके, एक्सपर्ट लोगों के ज़रिए वो ल्योर करता था, उनसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता था, और जब लोग इन्वेस्ट करते थे उनको मोटा पैसा वापस देने की बात करता था, और ज़्यादातर लोगों के पैसे वापस भी करता था, लेकिन उनमें से काफ़ी संख्या ये होती थी जिनको पैसा दोबारा इन्वेस्ट कराता था, यानी कि उन्हीं लोगों के पैसे उन लोगों को वापस करके ज़्यादा संख्या में ये भी दिखाने की कोशिश करता था कि वो पैसे वापस कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों के पैसे रोक करके ये कोशिश करता था कि ये पैसे उसके पास जमा रहें और इन्हीं पैसों को घुमा के दूसरों को दे सके, और ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो एक बहुत बड़ा खेल खेल सके, और उस खेल के इंतज़ार में वो अपने पास से जितने भी पैसे इकट्ठे हो रहे थे उनको ज़्यादातर बांट दे रहा था। जब दस्तावेज़ों की जांच शुरू हुई, उनका फॉरेंसिक जांच शुरू हुआ तो पता चला कि ये दस्तावेज़ तो सारे सही हैं लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है। ये हैरानी की बात थी क्योंकि अगर किसी के दस्तावेज़ सही हैं तो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। दरअसल जब इसकी और गहराई से फॉरेंसिक जाँच हुई तो पता चला कि इस कंपनी के जितने भी दस्तावेज़ बनाए गए हैं वो हैं तो फर्जी लेकिन इतने सटीक तरीके से बनाए गए हैं कि वो बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने उसको छोड़ तो दिया फिलहाल, लेकिन कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि अब तक के हिसाब के हिसाब से $444 मिलियन उन निवेशकों के लौटाए जाएं जिन लोगों ने बर्नी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन बर्नी हार नहीं मानने वाला था। बर्नी ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी मैं पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जब बर्नी ने लोगों को पैसे वापस देना शुरू किया तो लोगों ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसने इतना भरोसा जीत लिया था। लोग सोचते थे कि शायद उसको एक्सचेंज बोर्ड नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, लेकिन बर्नी
काबिल आदमी है, वो इतना बड़ा जीनियस है कि उसके पास से अगर पैसे निकाल लिए तो शायद उनको नुकसान होगा। बहुत सारे निवेशकों ने ये कहना शुरू किया कि सारे पैसे वो अपनी खुद की कंपनी में लगा ले, लेकिन वो पैसे वापस लेने नहीं चाहते थे। बनने पर निवेशकों को इसलिए भी बहुत भरोसा था क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट आने के बाद नुकसान के बावजूद उसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया था, अपनी जेब से रिटर्न दिया और जो वायदा किया था वैसा रिटर्न दिया। अब सारा खेल ये भरोसा बनाने का था ताकि एक दिन बड़ा खेल किया सकते हैं। बन्नी के मुताबिक वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो पैसा वापस करते थे। ये पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने पास से ज़्यादातर पैसा लोगों को वापस कर दिया, लेकिन उसको एजेंसीज ने, एक्सचेंज बोर्ड ने अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बर्नी अपने निवेशकों को रिटर्न इसलिए दे पा रहा था क्योंकि वो एक पोंजी स्कीम चला रहा था। वो नए निवेशकों के पैसों को पुराने निवेशकों को रिटर्न की तरह देता था, इसलिए फर्जी दस्तावेज से लेकर फर्जी ऑफिस तक सब तैयार किया गया था। जब कोई पुराने दस्तावेज मांगता तो उसे प्रिंट कर लिया जाता। कहा जाता कि तुरंत निकले प्रिंट गर्म होते थे तो उसे कुछ देर फ्रिज में रखकर ठंडा किया जाता था। पुराना बनाने के लिए नीचे गिराकर पैरों से रौंदा जाता था, मिट्टी से गंदा किया जाता था ताकि वो दस्तावेज बिल्कुल असली की तरह लगे। लेकिन 2008 में एक ऐसी मंदी आई जिसने सारा राज खोल दिया। इससे पहले साल 2000 के दौरान सिक्योरिटीज एक्सचेंज को मैडॉफ पर शक तो हुआ, लेकिन जांच की हर कोशिश में मैडॉफ ने ऐसा कुछ किया कि जांच दब गई। इसके बाद 2008 में मंदी जैसे आई शेयर बाजार क्रैश हो गया और देखते देखते मैडॉफ का भी पर्दाफाश होने लगा। एक तरफ लोग मार्केट गिरने की वजह से, क्रैश होने की वजह से अपने पैसे निकाल रहे थे और दूसरी तरफ भरोसा कम होने की वजह से लोग पोंजी स्कीम में आगे पैसा नहीं लगा रहे थे। तो एक तरफ से पैसा आना बंद हो गया और दूसरी तरफ से पैसा निकलना बढ़ता गया, लिहाजा दिक्कतें आनी शुरू हुई। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही थी। खुद को बचाने के लिए बनी ने कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई। आखिर में उसने सब सच सच बता दिया। जब ये सच सामने आया तो पता चला कि बर्नी ने किस तरह से खेल किया था। दरअसल पोंजी स्कीम के नाम पर वो पैसे इकट्ठा करता था, जिस स्कीम में पैसे लौटाने की तारीख काफ़ी बाद की होती थी, लेकिन पैसे को डबल ट्रिपल करने की स्कीम ये ऐसी स्कीम थी जिसमें लोग लालच में फंस जाते थे। लोग लंबे समय के लिए अपना पैसा निवेश करते थे और उस पैसे से वो अपने शेयर मार्केट में तमाम दूसरे निवेशकों को पैसा ज़्यादा रिटर्न के साथ वापस करता था। एक तरफ इधर भरोसा था कि इन लोगों को एक वक्त के बाद दुगने तिगने पैसे मिलेंगे और दूसरी तरफ शेयर मार्केट के निवेशकों को ये लगता था कि उनके पैसे ज़्यादा बढ़ करके मिल रहे हैं, लिहाजा वो बर्नी के जरिए ही निवेश करेंगे। लेकिन अब उसका राज खुल चुका था कि वो खेल आखिर करता क्या है। हालांकि बर्नी ने इस पोंजी स्कीम से अपने परिवार को दूर रखा था। लिपस्टिक बिल्डिंग जिसमें उसका दफ्तर था, 17वें फ्लोर पर इस पोंजी स्कीम का ऑफिस जो लिया था, वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बर्नी के पोंजी स्कीम के खुलने से बहुत सारे निवेशकों के पैसे डूब गए, कईयों ने तो आत्महत्या तक कर ली। लोगों ने बर्नी के परिवार वालों को भी खूब परेशान किया, जिसके चलते एक बेटे ने आत्महत्या कर ली और दूसरे की बीमारी से मौत हो गई। आखिरकार एक्सचेंज बोर्ड ने इसके लिए बर्नी मैडॉफ के खिलाफ मुकदमा चलाया। 70 साल की उम्र में बर्नी मैडॉफ को इतने बड़े गुनाह के लिए 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उसकी जितनी भी संपत्ति थी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। आरोपियों को जेल तो हो गई, लेकिन इस पोंजी स्कीम में निवेशकों के लगभग $19 अरब लगे थे, जिसमें से $14 अरब रिकवर हो पाया। लेकिन इस पोंजी स्कीम की वैल्यू करीब $65 अरब यानी करीब 6 लाख करोड़ के आसपास तब आंकी गई। 14 अप्रैल 2021 को बर्नी मैडॉफ की मौत जेल में ही हो गई। लोग बर्नी से बहुत गुस्सा थे, इसलिए वो चाहते थे कि मरने से पहले एक बार वो जेल के बाहर आए, लेकिन जेल की सजा उसकी इतनी लंबी थी कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि लोगों का खौफ इतना ज़्यादा था कि प्रशासन ने फैसला किया कि बेशक बर्नी मैडॉफ की जेल के भीतर मौत हुई है और अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन डर इतना ज़्यादा था, लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था और इस बात की आशंका थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसीलिए मौत के बाद जेल प्रशासन ने उसे दफनाने के बजाय जलाकर अंतिम संस्कार जेल के भीतर ही कर दिया। बर्नी का गुनाह कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतिम संस्कार के वक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति अस्थियां तक लेने नहीं आया, यानी उन लोगों के साथ जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया, जिन लोगों को अपने साथ शामिल किया, उनमें से भी कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि अस्थियां लेने जेल प्रशासन के पास जाए। आज भी उसी जेल में बर्नी मैडॉफ की अस्थियां रखी हुई हैं।
इस इंतजार में कि उसके परिवार के लोग आकर के शायद किसी दिन अस्थियां ले जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपने जीते जी एक ऐसे फ्रॉड, एक ऐसी पोंजी स्कीम, एक ऐसे नेटवर्क को बनाया जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड के नाम पर जाना जाता है। इस फ्रॉड में केवल उसके देश के नहीं बल्कि 130 देशों के 37,000 लोगों ने अपने अरबों रुपए गंवाए। यह रकम इतनी बड़ी है जितनी कई देशों की GDP होती है या फिर कई देशों का बजट होता है। लेकिन अकेले बर्नी मैडॉफ ने इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जो आज भी तमाम अपराधियों के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो लोग फ्रॉड करके, पोंजी स्कीम चला करके लाखों अरबों रुपए कमा चुके हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड और फ्रॉडस्टर बर्नी मैडॉफ पर यह थी आज की कहानी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।